हेलो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री का फिफ्थ क्वेश्चन इसमें क्या है इन सबको क्या करना है इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में हमें गिवन है इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है इसको फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट इंटरवल्स के बारे में मैंने आपको इस वीडियो की इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन में, में बिल्कुल अच्छे समझाया हुआ है अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो वाली वीडियो देख लो उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ईजी लगेंगे तो चलिए देखिए इसमें क्या है बिल्कुल सिंपल और ईजी मेथड देखो इसको इंटरवल में लिखना है तो देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस फोर से लेकर सिक्स तक लाई कर रही है तो यहाँ पे लिखना है माइनस फोर टू सिक्स अब बात रहती है कि यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट आएगी या फिर ओपन ब्रैकेट आएगी तो जिस केस में यहाँ पे इक्वल टू है देखो सिक्स के केस में यहाँ पे सिक्स के साथ क्या है इक्वल टू भी है बट माइनस फोर के साथ यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो जहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा तो वहाँ पे हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे इक्वल है तो वहाँ पे क्या करेंगे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे तो बिल्कुल ईजी है देखो देखो ऐसे ही सेकेंड पार्ट देखो फिफ्थ का सेकेंड पार्ट यहाँ पे क्या है माइनस ट्वेल्व टू माइनस टेन तो जहाँ पे भी इक्वल टू नहीं है यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा दोनों साइड क्या होगा ओपन इंटरवल तो इसका आंसर क्या आ गया ये वाला आंसर आ गया फिफ्थ का ये वाला आंसर था थर्ड देखिए थर्ड में क्या है ज़ीरो टू सेवन तो सेवन के साथ इक्वल टू नहीं है यहाँ पे ओपन इंटरवल यहाँ पे क्लोज इंटरवल फोर्थ देखो क्या है थ्री कोमा फोर तो दोनों के इसमें क्या है कि इक्वल टू है यहाँ पे लिखेंगे क्लोज तो ये बिल्कुल अच्छे से आपको ये समझ आ गया होगा फिफ्थ पार्ट सिक्स्थ देखते हैं सिक्स पार्ट में क्या है ये इसका रेसिप्रोकल पार्ट है यहाँ पे क्या था इंटरवल्स में हमें लिखना था सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था यहाँ पे क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिखना है और इंटरवल्स में हमको गिवन है तो बिल्कुल क्या है इसको इसका रेसिप्रोकल हो गया इसको लिखेंगे फर्स्ट पार्ट कर लीबी स्टार्ट एक्स x बिलोंग्स टू रियल नंबर x की वैल्यू कहाँ से माइनस थ्री टू ज़ीरो माइनस थ्री लेस देन x लेस देन जीरो तो इसको हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू तो नहीं लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे क्या है ओपन इंटरवल सेकेंड केस में क्या है सिक्स ट्वेल्व तो इसको लिखेंगे x x बिलोंग्स टू रियल नंबर सिक्स लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू ट्वेल्व यहाँ पर मैंने क्या किया दोनों केस में इक्वल टू लगाए हैं बिकॉज यहाँ पे क्लोज इंटरवल है थर्ड केस में देखो सिक्स के साथ क्या है ओपन इंटरवल ट्वेल्व के साथ क्लोज इंटरवल तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सिक्स लेस देन एक्स लेस इक्वल टू ट्वेल्व लास्ट फोर्थ पार्ट है x, x एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस ट्वेंटी थ्री यहाँ पे क्लोज इंटरवल है तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा ओपन है तो ओनली लेस देन आएगा तो ये वाला पार्ट भी बिल्कुल सिंपल हो गया नेक्स्ट चलते हैं सेवन्थ पार्ट सेवेंथ क्वेश्चन में क्या है इसको इरेज कर लेते हैं सेवन्थ क्वेश्चन में क्या है देखो वट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग देखो ये हमें सेट गिवन है कोई इसका यूनिवर्सल सेट हमने प्रपोज करना है तो यूनिवर्सल सेट देखिए पहले क्या होता है आपको मैंने इसकी इंट्रोडक्शन में भी कराया हुआ है पहले आप इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए उसमें यूनिवर्सल सेट बताया हुआ क्या होता है देखो यूनिवर्सल सेट वैसे बता देता हूँ मैं आपको क्या होता है जैसे ए कोई सेट है वन टू थ्री बी कोई सेट है टू थ्री फोर कोई भी है सी कोई सेट है थ्री फोर सिक्स अब इस तीनों को जो कंटेन करता होगा वही इसका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा जिसमें वन टू थ्री भी हो ये वाले एलिमेंट भी हो ये वाले मतलब जो इन तीनों में सेट्स में एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू सिक्स तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया ए बी और सी के लिए तीनों के लिए हालांकि सी में फाइव नहीं है या ए और बी में भी नहीं है अगर यूनिवर्सल सेट में फाइव होगा तो भी ये यूनिवर्सल सेट होगा इन तीन सेट्स के लिए ए बी और सी के लिए। तो देखो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सेवंथ क्वेश्चन सेट ऑफ राइट एंगल्स देखो सेवंथ का फर्स्ट पार्ट देखो क्या गिवन है? सेट ऑफ राइट एंगल्स ट्रैंगल राइट ट्रे तो ये मान लीजिए ए सेट है कोई सेट ऑफ़ तो इसमें क्या कौन कौन सी ट्रैंगल होंगी जो राइट एंगल्स होंगी जैसे ये राइट एंगल ट्रैंगल है मतलब शेप कैसी भी हो साइज कितना भी बड़ा हो या छोटा हो मतलब जो जो राइट एंगल्स ट्रैगल है मीन एक एंगल नाइनटी डिग्री का हो वो सारी ट्रैंगल्स इस सेट में आ जाएंगी तो इसके लिए हमने यूनिवर्सल सेट प्रपोज करना है तो यूनिवर्सल सेट देखो हम लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल देखो मैंने क्या लिख दिया सेट ऑफ ऑल लिख दिया। तो सेट ऑफ ऑल ट्रेंगल्स में सेट ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल तो होंगी ही होंगी बाकी और भी ट्रेंगल्स होंगी इट मीन क्या हो गया ए है जो सबसेट हो गया यू का तो यू क्या हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया के लिए सेम क्या है सेकंड सेकंड में क्या है द सेट ऑफ आइसोलेस ट्रैगल्स आइसोसल ट्रैगल्स कौन सी होती हैं जिसमें दो साइड्स इक्वल हों जैसे ए वाली आइसोसल ट्रैंगल होगी अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हों ये नहीं इक्वल हो तो ये क्या होगी आइसोसल ट्रैंगल होगी इसका भी साइज़ कितना ही बड़ा सा ए और ये साइड इक्वल होनी चाहिए और ये अन होनी चाहिए तो ये क्या होगी आइसोसल ट्रैंगल होगी बट क्या है जो सेट ऑफ ऑल ट्रा है उसमें आइसोसल ट्रैंगल भी आ गई तो यू क्या हो गया इस केस में भी यू क्या हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया तो यू द सेट ऑफ ऑल ट्रगल इसका आंसर भी क्या आ गया द सेट ऑफ ऑल ट्रैगल्स फर्स्ट पार्ट का आंसर भी क्या आ गया सेट ऑफ ऑल ट्रैंगल्स एंड सेकेंड का आंसर भी सेट ऑफ ऑल ट्रो इसको हम इेज कर देते हैं नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का फिर यह एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी एट्थ क्वेश्चन देखो गिवन द सेट्स ए बी सी ये तीन सेट हमें गिवन है ए में क्या है एलिमेंट्स वन थ्री फाइव बी में क्या है टू फोर एंड सिक्स एंड सी में क्या है जीरो टू फोर सिक्स एंड एट हमने क्या करना है यूनिवर्सल सेट बताना है जो सेट्स ए बी सी को तीनों को कंटेन करता हो देखो इन चारों में से एक सही है बाकी तीन गलत है देखो कैसे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसमें क्या है? देखो ज़ीरो भी कंटेन कर रही है वन भी है वन यहाँ पे है टू है थ्री है फोर है फाइव है सिक्स है तो देखिए एट एट सी में है देखो सी में एट है यहाँ पे नहीं है तो सी क्या है इसका सबसेट नहीं होगा तो ये यू नहीं हो सकता ठीक है बेटा समझ आ रहा है आपको ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता फाइव फाइव तो यूनिवर्सल सेट हो गई इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं है ठीक है थर्ड इसमें देखो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो ये सारे दे दिए ये यूनिवर्सल सेट हो सकता है इसको छोड़ दो आप एक बार फोर्थ देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इसमें ज़ीरो नहीं है देखो सी में ज़ीरो है इसमें जीरो नहीं है तो सी इसका भी सबसेट नहीं होगा तो ये भी नहीं हो सकता तो ये बचा जी। ये यूनिवर्सल ये सेट हो गया क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट है इसका ए भी सबसेट है बी भी, भी सबसेट है और सी भी सबसेट है तो ये क्या हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया आंसर जो इसका थर्ड आंसर आ जाएगा तो आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा तो वन पॉइंट थ्री हमारी कंप्लीट होगी इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे थैंक्स एंड कीप वॉचिंग